3, 2, 1. Welcome. The road to a man's heart goes through the stomach. अगर आपको इस पर भरोसा है तो आपके लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। 16 जुलाई का कड़क मॉर्निंग सुना रहा हूँ मैं हूँ सूफी आपके साथ आपके शहर के फेवरेट रेडियो स्टेशन FM तड़का पर। और इतिहास में पहली बार कड़क मॉर्निंग पर यहाँ मेरे साथ हैं राजस्थान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी। सर, हाउ फूडी आर यू? 10 में से कितने नंबर देंगे आप? देखिए, मुझे तो दाल रोटी रोटी सब्जी खाना पसंद है और अब तो डिशेज में बहुत सारी चीजें आ गई, लेकिन मैं कोई इंटरकॉन्टिनेंटल कुक हूँ ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन मैं जब हॉस्टल में या जब बाहर रूम लेके रहते थे तो उन चीजों ने सिखा दिया। तो हम जैसे समूह में रहते थे, कोई सब्जी बनाता था, कोई रोटी बनाता था, मैं गोल रोटी ठीक बना लेता हूँ, जो पिछले दिनों में मैंने एक आदिवासी घर पे बनाई। तो काम चलाऊ खाना बना सकता हूँ। आप मेरे से ही उम्मीद करें कि मैं आपको लजीज व्यंजन परोसूंगा तो कम से कम इतनी अपेक्षा तो मुझसे नहीं रखें, लेकिन आपको भूखा नहीं सोने दूंगा ये मैं कमिट कर सकता हूँ। सर, आमेर भी आपका क्षेत्र है और आमेर के बारे में आपसे ज्यादा कौन जान सकता है? हमें कुछ ऐसी जगहें बताइए आमेर के बारे में जो हमें नहीं पता है। आमेर का जब दृश्य आता है, नक्शा आता है, तो लोग किले से उसको रिजेंबल करते हैं कि आमेर का मतलब ये किला है। हमारे यहाँ राजस्थान में जिस क्षेत्र में बहुत संभावनाएं हैं और उसको बहुत लोग कम एक्सप्लोर करते हैं और उसकी चर्चा कम होती है, जिस पर मैं फ्यूचर में कमिटेड हूँ कि उसके लिए काम करें, वो है रूरल टूरिज्म, यानी ग्रामीण पर्यटन। ये बहुत कम लेवल पर कुछ स्पेसिफिक जगह शुरू हुआ, लेकिन जयपुर में और आमेर में वो पोटेंशियल है। हर तीसरा पर्यटक आमेर जरूर आता है, राजस्थान आता है, जयपुर आता है, आमेर आता है, क्योंकि आमेर फोर्ट पे जाता है। भूतेश्वर महादेव का मंदिर है, यदि आप नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से आगे जाएंगे तो उसको शायद कम लोग एक्सप्लोर करते होंगे। बहुत पुराना शिव जी का प्राचीन मंदिर है और बहुत नैसर्गिक नेचुरल पूरी ब्यूटी है वहाँ। दूसरा, हमारे यहाँ सिरोही एक गाँव है जो दिल्ली रोड पे ही है, यहाँ से 20-25-30 किलोमीटर का रास्ता है, आधे घंटे का रास्ता है। वहाँ एक नेचुरल ब्यूटी भी है, धार्मिक स्थान भी है, लेकिन उसके साथ साथ एक बाल संबल आश्रम है, एक एनजीओ के लोग चलाते हैं, लेकिन वहाँ जो निराश्रित बच्चे हैं उनको वहाँ पर वहाँ एक अच्छा परिवेश मिलेगा। वहाँ बच्चे वहाँ आर्चरी में नेशनल लेवल तक गए, तो वहाँ लोग आते हैं, लोग कंट्रीब्यूट भी करते हैं। ऐसे ही हमारे यहाँ गुणावता एक जगह है जहाँ पिछले दिनों पत्रिका के इनिशिएटिव पे पिछले साल मैंने हम लोगों ने श्रमदान किया था। बहुत अच्छी बावड़ी है जो वाटर कंजर्वेशन के लिए पुराने तौर तरीके थे, तो राजस्थान पत्रिका की पहल पर ही हम लोगों ने वो शुरू की थी। जयरामपुरा एक दादर डूंगरी है हमारे यहाँ, इतनी नेचुरल ब्यूटी है, गौशाला भी है, बहुत धार्मिक स्थान है। दादू दयाल जी एक संत हुआ करते थे, उनका एक प्रसिद्ध स्थान है। मैं देखता हूँ कि वहाँ अक्सर लोग पिकनिक के लिए आते हैं पर कम आते हैं। वो जगह यदि आप देखेंगे, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, मुझे जो सुन रहे हैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि सीकर रोड से अप्रोचेबल है और लगभग आधे घंटे का रास्ता है, वहाँ आप पूरा दिन बिता सकते हैं। पूरे दिन भर भंडारा चलता है, आप वहाँ खाने का आनंद ले सकते हैं। वहाँ के जो धार्मिक स्थान है उसकी जगह बहुत अच्छी पहाड़ी पे है, हिल टॉप पे, बहुत अच्छा स्थान है। जितना आप अंदर जाएंगे, गांव वहाँ का हर गांव जो है, कुछ गांव स्पेसिफिक है जहाँ हिल्स हैं, जहाँ पानी की कई टांके वगैरह बने हुए हैं, अच्छे तालाब हैं, वहाँ आप उसका आनंद ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, मौसम भी परफेक्ट साथ दे रहा है। डॉक्टर सतीश पूनिया जी से आगे बात करेंगे भीड़ तंत्र के बारे में और उसे कंट्रोल करने के बारे में, साथ साथ सुनेंगे नाथू जी का एक इंटरेस्टिंग किस्सा। आपको बहुत मजा आने वाला है, टिके रहिए कड़क मॉर्निंग पर सूफी के साथ। देश की इम्यूनिटी बढ़ाने की पुरजोर कोशिश चल रही है सिर्फ FM तक।